देर आर एट प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम दैट मूव्स अराउंड द सन इन स्पेस. हमारे पास आठ प्लैनेट हैं जो कि सूरज के गिर्द घूम रहे हैं. द नेम ऑफ द प्लैनेट्स आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. द सन इज अ ब्राइट स्टार. सूरज क्या है? एक रोशन सितारा. इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस. ये बहुत गर्म गैसों से मिलकर बना है. द लाइट ऑफ द सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. इट गिव अस हीट एंड लाइट. सन लाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स. द अर्थ, वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ. हम किस प्लैनेट पर रहते हैं? अर्थ यानी ज़मीन पर, विच इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. ये तीसरा सियारा है सूरज के करीब. द अर्थ शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन. First, revolution. First, the earth moves around the sun. This movement is called revolution. The earth takes 1 year to go around the sun. This gives us seasons during the year. Next, rotation. Second, the earth moves around its own axis and imaginary lines around which the earth rotates. This movement is called rotation of the earth. It completes one rotation in 24 hours. This gives us day and night. It is day in those parts of the earth that are facing the sun, while it is night in those parts of the earth that are not facing the sun. Students, आपको यहाँ पिक्चर नज़र आ रही होगी रोटेशन की भी और रेवोल्यूशन की भी. स्पिन टू टर्न टेक 24 आवर्स, कॉज डे एंड नाइट. अब रोटेशन में क्या होता है? एक तो वो स्पिन करती है ज़मीन, और उसको एक मतलब 24 आवर्स में वो अपना स्पिन कम्प्लीट करती है, और जिससे हमें क्या मिलता है? दिन और रात. नेक्स्ट है रेवोल्यूशन, गो अराउंड. अब रेवोल्यूशन में क्या होता है? ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द जो है वो अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, और वो कितने डेज में करती है? 365 डेज में. कॉजेज सीजन्स, और उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है? चार मौसम, यानी समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग. इन द लास्ट द मून. मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स ऑल्सो हैव मून सर्कलिंग अराउंड देम. अब बहुत से प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके अपने चांद हैं जो उनके गिर्द घूम रहे हैं. आवर प्लैनेट अर्थ हैज़ ओनली वन मून. हमारा प्लैनेट जो है अर्थ, उसका सिर्फ एक ही मून है. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. इट टेक्स 29.5 डेज टू मेक वन फुल रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. दिस पीरियड इज कॉल्ड अ ल्यूनर और इस्लामिक मंथ. द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इट जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. देयर इज़ नो एयर एंड वाटर ऑन द मून. अब मून के बारे में क्या बताया जा रहा है जी? एक तो मून की अपनी रोशनी नहीं होती, और ये किसकी वजह से रिफ्लेक्ट करता है? सन की वजह से रिफ्लेक्ट करता है. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अच्छे से इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है, प्लैनेट्स के नेम अच्छे से याद करने हैं, और पिक्चर ड्रॉ करके मुझे ज़रूर आप लोगों ने सेंड करनी है. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.